हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अन्वेशाज क्रिएटिविटी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक। और आज काफ़ी दिनों के बाद में यहाँ पर धूप निकली है तो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ अपने कुछ प्लांट्स। लेकिन आज मैं बात करूंगी इंडोर प्लांट के बारे में, एक ऐसे पौधे के बारे में जानकारी जो कि आप घर के अंदर रखेंगे तो वो फूल देगा। जी हाँ, हरियाली भी देगा, फूल भी देगा और बहुत ही ज़्यादा सुंदर पौधा है। उसकी देखभाल भी बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, बहुत ही कम देखभाल में फूल भी देगा, हरियाली भी रखेगा। साथ ही साथ तीसरी सबसे बड़ी ज़रूरी बात है कि आपके घर की हवा को शुद्ध भी रखेगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इस खूबसूरत प्लांट पीस लिली के बारे में। तो पीस लिली के बारे में मैं आपको आज पूरी जानकारी दूंगी कि आपको किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से ये कब फूल देता है और इंडोर रखें तो क्या क्या देखभाल करें। तो सबसे पहले आपको दिखाती हूँ, मेरे पास ये दो हैं पीस लिली के पौधे जो कि मैंने इंडोर रखे हुए हैं। एक सेरेमिक प्लांट में है, प्लांटर में रखा है, और एक मिट्टी के प्लांटर में रखा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि दोनों ही प्लांटर में मेरा पौधा जो है बिल्कुल हरा भरा और स्वस्थ है। यहाँ तक कि कई लोग बोलते हैं कि सेरेमिक प्लांटर में पौधे स्वस्थ नहीं होते, तो आपको मैं ही दिखा रही हूँ कि ये सेरेमिक वाला जो प्लांटर का पौधा है वो बिल्कुल स्वस्थ है। हालांकि मिट्टी वाले पौधे में जो एक दो पत्तियाँ पीली हुई हैं, लेकिन उसका रीज़न क्या है, पत्तियाँ क्यों पीली हो रही हैं और कब फूल आते हैं, चलिए बताती हूँ। तो आप इसको किसी भी तरह के प्लांटर में लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि बेस्ट होता है मिट्टी का प्लांटर। अगर आप मिट्टी के प्लांटर में पौधा लगाएंगे और थोड़े बड़े प्लांटर में लगाएंगे तो आपका पौधा जल्दी ग्रो करेगा। आप देख सकते हैं कि मेरा ये पीस लिली का पौधा जो है, इसमें ये देखिए, ये दो नई पत्तियाँ निकल रही हैं, एक ये निकल रही है और एक दूसरी ये वाली निकल रही है, आपको दिखाऊं तो इसमें ग्रोथ जल्दी ही हो रही है। तो पीस लिली का पौधा ये इंडोर ही रखती हूँ, लेकिन इसको रखें ऐसी जगह पर जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आए लेकिन इनडायरेक्ट सनलाइट ज़्यादा देर तक आए। मतलब कि कमरे में अगर रख रहे हैं या लिविंग एरिया में रख रहे हैं या खिड़की के पास में रख रहे हैं तो इस पर रोशनी काफ़ी पड़नी चाहिए। अच्छा, अगर मैं बात करूँ इसकी पीली पत्तियाँ होने की, तो पीली पत्तियाँ इसमें तभी होती हैं जब आप इसको पानी ज़्यादा देते हैं। तो पानी इसमें बहुत कम देना पड़ता है, जैसे कि आप देख सकते हैं आजकल तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो इसमें मैं 10 से 15 दिन के बाद में पानी देती हूँ। जब आपको पानी देना है, जब आप इसके मिट्टी को देख लें, पहले चेक कर लें मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई हो, तभी इसमें पानी दें। अब आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी भुरभुरी सी मिट्टी है, तो अभी भी मैं पानी नहीं दूंगी। तो ये तरीका होता है पानी देने का। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जब ह्यूमिडिटी लेवल जो होता है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, तभी भी इस पौधे के पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है आजकल तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो इस टाइम पर इसके पौधे के पत्ते पीले होना लाजमी है। लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, नए पत्तों की ग्रोथ भी साथ ही साथ चल रही है इसकी। ये अभी पौधा डोरमेंसी में नहीं है, तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं नई नई पत्तियां निकल रही हैं मेरे पौधे में। लेकिन हाँ, थोड़ी ज़्यादा पानी की वजह से या ह्यूमिडिटी लेवल कम होने की वजह से जो पत्तियां पीली पड़ी हैं उनको मैं कट कर देती हूँ, जिसकी वजह से आपका पौधा ख़राब नहीं होने पाएगा। अगर मैं बात करूँ इसमें फर्टिलाइज़र की, तो वर्मी कंपोस्ट इसमें सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र है। वर्मी कंपोस्ट इसमें हर 15 से 20 दिन के बाद में आप देते रहिए। अगर आपने इंडोर रखा है तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल आप फरवरी तक, अगर आपने अभी नया पौधा लिया है ये, तो फरवरी तक इसमें कोई फर्टिलाइज़र ना दें। फरवरी के बाद में इसकी जब ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से बढ़नी शुरू होती है तभी इसमें फर्टिलाइज़र की और एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। तो फिलहाल के लिए आपको बस पानी का ध्यान रखना है, और पानी किस तरीके से देना है, आपको इसमें डायरेक्ट पौधे में पानी ना दे करके इसको फोलिएज स्प्रे करेंगे तो वो ज़्यादा पत्तियों को सुंदर भी लगेगा, पत्तियाँ भी साफ़ सुथरी रहेंगी आपकी, क्योंकि पौधे की पत्तियाँ जब साफ़ सुथरी रहती हैं तो इस पर माइट्स वगैरह भी अटैक नहीं करते हैं और आपका पौधा स्वस्थ रहता है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ इसमें फ्लावरिंग कब होती है, तो मार्च के बाद से इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। और पीस लिली, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, एक तो शांति का प्रतीक है, दूसरा हवा
को शुद्ध करता है। तो अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो आप इसको इंडोर ज़रूर लगाएं। और एक पौधे से कुछ नहीं होता है, आपको कई पौधे लगाने पड़ेंगे। तो हवा को भी शुद्ध रखता है और शांति का प्रतीक भी है, घर के लिए शुभ भी माना जाता है। दूसरी चीज़, घर के अंदर रख सकते हैं और फूल भी देता है। तो इतनी सारी खूबियाँ इस पौधे की। और हाँ, एक चीज़ और बोलूँगी कि अगर आप इस पौधे को रिपॉट करना चाहते हैं तो अभी बिल्कुल भी ना करें। मार्च के बाद में आप इसको रिपॉट करेंगे तो आपका पौधा ठीक ठाक चलता रहेगा। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छा वीडियो लगा ये तो लाइक और शेयर ज़रूर से करें। जल्दी ही मिलूँगी आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।